Okay, in the previous session, we have already discussed what is gradient descent with momentum, और साथ ही साथ अपने मिनी बैच के साथ भी उसका कॉन्सेप्ट देखा कि मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से वो हमारी ट्रेनिंग को फास्ट वे पे ला रहा होता है. ऑल दो उसी सेशन के अंदर हमने ऑप्टिमाइजर की डेफिनेशन भी डिस्कस की है और ऑनवर्ड हम डिफरेंट ऑप्टिमाइजर को देखेंगे जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होती हैं डीप लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क के अंदर. तो इस वक्त जो ऑप्टिमाइजर हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम एडाग्रेड ऑप्टिमाइजर कहते हैं, विच मीन एडेप्टिव ग्रेडियंट ऑप्टिमाइजर. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली एडाग्रेड ऑप्टिमाइजर का काम क्या है और वो कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है. हम जानते हैं कि जो न्यूरल नेटवर्क है हमारे पास, उसकी ट्रेनिंग स्टेज के अंदर हमें डिफरेंट लर्निंग रेट की वैल्यू देनी होती है ताकि जो हमारे पास लर्निंग स्ट्रेटजी है वो स्ट्रांग से स्ट्रांग होती जाए और हम बेहतर तरीके से अपने लॉस फंक्शन को क्या कर सकें, रिड्यूस करके बेटर एक्यूरेसी हासिल कर सकें. लेकिन एडाग्रेड ये कॉन्सेप्ट देता है कि आप जो एक लर्निंग रेट की वैल्यू के जरिए से पूरी ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, एडाग्रेड ये कहता है कि आप डिफरेंट लर्निंग रेट के साथ अपने लेयर्स को और साथ ही साथ उस लेयर्स में मौजूद इंडिविजुअल न्यूरॉन्स को ट्रेन कर सकते हैं. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक हिडन लेयर में फॉर एग्जाम्पल 5 न्यूरॉन्स हैं तो 5 न्यूरॉन्स की जो वैल्यूज होंगी वो अलग अलग होंगी. जब अलग अलग होंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एडेप्टिव वे पर जा रहा है. एडेप्टिव का उर्दू में आसान लफ्जों में मतलब होता है ढल जाने वाला. तो एडेप्टिव कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि वो अपने आप को खुद ब खुद ढाल लेता है उस स्टेज पर जहां पर जिसकी जो न्यूरल की या न्यूरॉन्स की या उस लेयर की जरूरत होती है उसके मुताबिक वो अपने आप को ढालता है. बात को मजीद समझेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं. एडाग्रेड इज एन ऑप्टिमाइजर विद पैरामीटर स्पेसिफिक लर्निंग रेट, यानी स्पेसिफिक लर्निंग रेट का कॉन्सेप्ट इसमें मौजूद है, which are adaptive relative to how frequently a parameter get updated during training. जो जितनी दफा वो train हो रहा है उस चीज पर वो क्या कर रहा है, relate करता है. The more updates a parameter receive, the smaller the learning rate. यानी जितनी दफा आप उसको अपडेट करते रहेंगे उसकी जो लर्निंग रेट की वैल्यू है वो स्मॉलर होती जाएगी. तो हमने सबसे पहले तो समझ लिया कि एडाग्रेड काम कैसे कर रहा है, डिफरेंट न्यूरॉन्स को डिफरेंट वैल्यूज लर्निंग रेट के साथ अपडेट कर रहा है जिसके जरिए से हमारी लर्निंग फास्ट हो रही है. लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्चुअली एडाग्रेड ऐसा कर क्यों रहा है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है. तो जो मशीन लर्निंग या फिर सॉरी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और इमेज रिकॉग्निशन है, जब हम अपनी इमेज को आरजीबी फॉर्म के अंदर मैट्रिक्स पे कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम न्यूरल नेटवर्क के अंदर डेंस या फिर स्पार्स लेयर्स कहते हैं. तो डेंस और स्पार्स को मैं ब्रीफली अगर समझाना चाहूं तो ये एक्चुअली एक मैट्रिक्स के फॉर्म पर डेटा की रिप्रेजेंटेशन है. अगर मैं स्पार्स मैट्रिक्स की बात करूं तो वहां पर जो वैल्यूज है मोस्ट ऑफ द वैल्यूज इन द मैट्रिक्स इज जीरो, वेयर एज इन डेंस मैट्रिक्स मोस्ट ऑफ द वैल्यू इज नॉट जीरो. ठीक है, स्नैप से इस चीज को मैं समझाता हूं ब्रीफली ताकि ये दोनों बात आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली इसकी विजुअलाइजेशन कैसे होती है और ये किस तरह से डेटा को शो करता है. तो एडाग्रेड ऐसे ट्रेनिंग स्टेज पर वैल्यू को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां पर मोस्ट ऑफ द वैल्यू इन स्पार्स मैट्रिक्स जो डॉट प्लॉट कर रहे हैं उसका मतलब है वो जीरो है. और अगर आप डेंस पे देखें तो मोस्ट बिल्कुल माइनर सी कोई वैल्यूज होंगी जो जीरो के बराबर हो, वरना सब जीरो से ज्यादा ही है. जिसकी वजह से ऐसी स्टेज पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेडिएंट डिसेंट का इस्तेमाल करेंगे तो जो वैल्यूज जीरो हैं, ठीक है ना, उस पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा. जब उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो नेक्स्ट स्टेज में लर्निंग रेट पॉजिटिव नहीं हो सकती, आगे नहीं जा सकती. तो यही वजह है कि जब आपके पास ट्रेनिंग स्टेज के अंदर दो ऐसे लेयर्स के फॉर्म पर डेटा आ जाए जहां पर उनका इन फ्यूचर कोई उस पर कोई इंपैक्ट ना पड़े, तो वहां पर हमें एडाग्रेड ऑप्टिमाइजर की जरूरत होती है. आगे चलते हैं. तो दोनों चीजें हमें बात समझ में आ गई. अब मैथ्स के फॉर्म पर इस चीज को देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली ये काम दोनों कैसे हो रहे हैं और किस तरह से ये अपने डेफिनेशन पर फुलफिल होते हैं. लिहाजा इसके लिए मैं सबसे पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्मूले की बात करते हैं जो कि लर्निंग रेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो उसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यू W बराबर होता है लर्निंग रेट मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू द वेट. ठीक है, तो मैं इस न्यू T को W को कह सकता हूं T और जो ओल्ड हमारे पास W है उसे मैं कह सकता हूं T माइनस 1. ठीक है, हियर इट इज माइनस. तो ये सिंपलेस्ट हमारे लर्निंग रेट का फॉर्मूला है जो न्यूरॉन्स को या लेयर्स को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होता है. लेकिन एडाग्रेड ये कहता है कि आप ये जो हमारे पास लर्निंग रेट है ना उसको ये चेंज करता है. वो ये कहता है कि लर्निंग रेट बराबर होगा जो भी लर्निंग रेट की वैल्यू है उसे आप डिवाइड करोगे स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा. ठीक है, अल्फा टी प्लस एप्सिलॉन. एप्सिलॉन एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है, जो इसलिए इस्तेमाल की जाएगी कि अगर अल्फा टी की वैल्यू जीरो हो जाती है तो ये एप्सिलॉन की पॉजिटिव माइनर वैल्यू इसको रिटेन करे इन टर्म ऑफ दी हायर देन जीरो. तो यही वजह है कि जो हमारे पास स्पार्स मैट्रिक्स के अंदर जीरो वैल्यू होंगी उसको हम इस एप्सिलॉन के जरिए से हैंडल कर पाएंगे. अब बात होती है अल्फा की.
तो अल्फा जो अल्फा की वैल्यू होगी यानी अल्फा टी की जो वैल्यू होने वाली है वो होगी हमारी समेशन ऑफ ऑल आइट्रेशन, यानी इंडिविजुअली एक एक आइट्रेशन पर अगर मैं एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क की बात करूं, 5 हिडन लेयर हैं, 4 हिडन लेयर हैं, तो हर लेयर के अंदर हमारे पास जो होंगे वो लॉस फंक्शन की वैल्यू होंगी। तो यही वजह है कि यहाँ पर अल्फा टी की जो वैल्यू होगी वो इंडिविजुअल एक आइट्रेशन पर तमाम लॉस के सम के बराबर होंगी। तो इस चीज के लिए यहां पर कहा गया है कि समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से ऑनवर्ड जितनी भी वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू टी, और ये क्या करेगा जो भी लॉस फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू द डब्ल्यू उसका स्क्वायर करेगा। ठीक है, तो इसकी स्क्वायर की वैल्यू जो भी आ रही होगी वो यकीनी तौर पे बड़ी होगी, लेकिन जो भी हो बड़ी हो उसमें एप्सिलॉन की वैल्यू ऐड होगी तो यकीनी तौर पे चेंजेस होंगी। लेकिन हमें पता है कि लर्निंग रेट की वैल्यू बहुत माइनर होती है, तो मैं कह सकता हूं फॉर एग्जांपल मेरी लर्निंग रेट की वैल्यू 0.001 थी, लेकिन जैसे ही हमारे अल्फा की वैल्यू बढ़ी लर्निंग रेट की वजह से जो लर्निंग रेट की वैल्यू आने वाली है डिवाइड होने के बाद वो माइनर आ जाने वाली है यानी कम आने वाली है। लिहाजा ये उस स्पार्स या डेंस मैट्रिक्स को इजिएस्ट वे पर हैंडल करता जाएगा और हमारी ट्रेनिंग स्टेज आगे ऑनवर्ड चलती रहेगी। तो ये सिंप्लीफाइड फार्मूला था कि एक्चुअली जब आप एडाग्रेड ऑप्टिमाइजर को यूज करते हैं तो वो किस तरह लर्निंग रेट को हैंडल कर रहा होता है, और जहां पर आपकी वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है पॉजिटिव मैनर पर बढ़ रही है अल्फा की, तो वो लर्निंग रेट की वजह से किस तरह से कम हो रही है। लेकिन यहां पर एक ड्रॉबैक ये आता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे अल्फा की वैल्यू किसी स्टेज पर जाके बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना, तो जब ये बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी तो जितनी वैल्यू ये बढ़ेगी यकीनी तौर पे जो लर्निंग रेट होगा वो उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस स्टेज के अंदर न्यूरॉन्स को मुझे अपडेट करना है और उसकी वैल्यू थी 0.5, लेकिन जो नई लर्निंग रेट पर यानी नई वैल्यू आई वो आ गई 0.3, तो अब हमारा लॉस हो गया, यानी हमें जिस वैल्यू को अपडेट करके आगे बढ़ाना था हमारी वैल्यू पीछे आ गई। तो ये इसका सबसे पहला एक ड्रॉबैक है और स्ट्रांगली ड्रॉबैक है जिसको हैंडल किया जाएगा अनदर ऑप्टिमाइजर से जो हम नेक्स्ट सेशन पर डिस्कस करेंगे, जिसको हम एडा डेल्टा या फिर आरएमएस प्रॉप कहते हैं। तो यहां पर इस लेवल को हमें समझने के लिए सिर्फ इस बात की जरूरत थी कि एक्चुअली ये किस डेटा सेट या किस फॉर्म पर जब हमारे पास डेटा आ जाता है तो हमें एडाग्रेड की जरूरत होती है जहां पर हम अपने लर्निंग रेट को रिटेन कर पाते हैं। अगर मैं सिंपलेस्ट वे पे ग्राफिकल विजुअलाइजेशन की बात करूं तो जहां पर हमने ग्रेडिएंट डिसेंट की बात की थी, तो हमारे पास जो लर्निंग रेट की वैल्यू है सबसे पहले बड़ी होगी, तो बड़ी होगी तो यकीनी तौर पर वो थोड़ा ज्यादा फासला तय करेगा, लेकिन जैसे ही जैसे ये वैल्यू आगे जाती रहेगी वो छोटी होती जाएगी, छोटे होते 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 वो अपने ग्लोबल मिनिमम तक पहुंच जाएगी। तो ये जो दो स्टेजेस को फॉलो कर रहा है वो इन्हीं दो स्टेजेस को लेते हुए कर रहा है कि अगर आपका डेटा सेट डेंस या स्पार्स के फॉर्म पर मौजूद है तो आपकी लर्निंग रेट किस तरह से ऑनवर्ड बड़े से छोटे होते जाते जाते अपने उस इंपॉर्टेंट पार्ट तक पहुंच सकती है जिसको हम ग्लोबल मिनिमा कहते हैं, और इस तरह से हम अपने एरर को यानी लॉस फंक्शन को रिड्यूस करके बेहतर एंड एप्रोप्रिएट मैनर पर काम कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट है एडाग्रेड के अंदर, उसकी वर्किंग बिहाइंड मैथ्स रिलेटेड और डेंस और स्पार्स मैट्रिक्स के हवाले से। इन दोनों के हवाले से फर्दर अगर आप स्ट्रांगली पढ़ना चाहते हैं तो ये दो हमारे पास एक आर्टिकल और एक रिसर्च पेपर है जो मैं प्रीवियस सेशन पे भी बता चुका हूँ, उसमें दोबारा बता रहा हूँ। और रिकमेंडेशन हर सेशन पे ये डिस्कस करने की वजह ये है कि जब तक आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ये टॉपिक काफ़ी खुश्क है, ठीक है, लेकिन डीप लर्निंग के रिस्पेक्ट से बहुत स्ट्रांग है। तो जब तक आप इस पे थोड़ा सा टाइम नहीं लगाएंगे, एक दो दफा चीज वीडियो को देखो, सेशन को समझो, आर्टिकल को बार बार पढ़ोगे, तो तुम्हें इतनी दफा नई नॉलेज समझ में आएगी कि एक्चुअली ये मैथ्स बिहाइंड जो है हर एक ऑप्टिमाइजर के बिहाफ पर वो क्या काम सर अंजाम दे रहा है। तो दोनों चीजों को मैं शो करता हूँ। ओके, तो जो लिंक मैंने अपने स्लाइड पर डिस्कस किया वो लिंक मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ, और आप देख रहे हैं कि इस लिंक के अंदर मैंने वो आर्टिकल शो किया हुआ जो कि डिफरेंट ऑप्टिमाइजर के ओवरव्यू है। इसके अलावा आप गूगल पर जाकर डायरेक्टली SCI हब लिखकर इस वेबसाइट पे जा सकते हैं जहाँ से आप डिफरेंट रिसर्च पेपर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मेरे आर्टिकल सर्वे पेपर का जो टॉपिक था ऑप्टिमाइजेशन मेथड फ्रॉम अ मशीन लर्निंग परस्पेक्टिव, उसको मैंने पेस्ट किया। अगर आप URL यूज़ कर रहे हैं किसी, तो URL भी पेस्ट करके आप ओपन करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा इस फॉर्म पर आपके साथ पास, और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके उसको डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आ चुका है, और उसके बाद आप यहाँ पर डाउनलोड करके इसे यूज़ कर सकेंगे।